हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैमोली व्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के बजे हुए हैं 4:45। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा डेली रूटीन है वो माल्टा में कैसे चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं गाइस यहाँ पे अभी आईटी और सेल्समैन, आप दोनों कह सकते हो, उस पर मैं हूँ। सो अभी आज शुरुआत करते हैं भाई उठते के साथ अपने बनाना शेक से। तो भाई उठते के साथ मैं अपना ब्रश वगैरह करके अब बनाना शेक पीता हूँ। तो वैसे मोस्टली मैं 4:30 बजे तक उठता नहीं हूँ, मैं सोता रहता हूँ भाई 6 बजे तक कम से कम, और मेरी 9 बजे ड्यूटी होती है तो मैं अपने काम पे 9 बजे जाता हूँ। तो अभी भाई उठते के साथ अपने बनाना शेक बनाना है, क्योंकि भाई मेरे को लग रही है भूख। तो भाई बनाना शेक से वो भूख मिटेगी। अभी अभी बनाना शेक बनाए वो। तो भाई अभी अपनी बनाना लेते हैं। ये अपना रूम हो गया। तो भाई मैं कैसे बनाता हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो मैं पहले इसके अंदर अपने बनाना डालता हूँ। सो गाइस, बनाना हमने अपने शेकर के अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं भाई 2 काजू, अखरोट गिरी और कुछ बादाम डाल चुका हूँ। अभी इसमें डालेंगे भाई अपना मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क आता है भाई 1 यूरो 15 सेंट्स का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने की कोल्ड ड्रिंक आती है उतने का ही मिल्क आ जाता है। तो सोचने की तो पूछो मत कि क्या हिसाब आएगा, क्या बिल आएगा दूध का। भाई इंडिया की तरह नहीं है कि आधा खर्चा दूध में जाए। अभी जो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, ये वो ट्रू मास्क बिगिनर है। अभी दिखाता हूँ कि वो कितना बचा हुआ है। ये बचा हुआ है मुश्किल से मुश्किल 5-7 दिन का और बचा है। 5-7 दिन और चलेगा। तो गाइस अभी मेरे को नहीं ख़त्म करना है, वैसे तो मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। ये अपना डल गया इसमें गेनर। ये हमारा भाई एंड ब्लेंडर, और अभी इससे बनाएंगे अपना बनाना से। गाइस अभी जो अपनी टेबल है इस पर मैंने अपना सामान रखा हुआ है। तो अभी हम इसको बनाना से को नीचे बैठ के बना रहे। वैसे भी अगर मैं ऊपर बनाऊंगा वो भी हैंड शेकर से, सॉरी हैंड ब्लेंडर से, तो बिखरने का ज़्यादा वो रहता है थोड़ा। तो भाई कुछ आपको बता देते हैं, जो बेस्ट मशीन है ना एक सिंगल बंदे के लिए, वो बार के लिए ये है। अपनी एक हैंड ब्लेंडर लाओ, एक शेकर, और कुछ इस तरीके से अपना शेक बनाओ। तो भाई शेक हो गया अपना रेडी। इसको पीने के बाद हम इसको धोएंगे। और आपको बता ही दिया था जैसे कि मैंने अभी 5 बजने वाले हैं। तो भाई अभी उठ के मेरा कोई ऐसा है निकाल, तो अपने भाई इसको पी के एक बार दोबारा से थोड़ी सी छोटी सी झपकी लेंगे और फिर डायरेक्ट आपको मिलते हैं भाई रेडी होने के बाद, ठीक है। तो भाई शेक हमने बना के पी लिया, अपना जो प्रोटीन शेक था वो, और एक अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट जो भी मैं फ्रूट्स खाता हूँ। तो अब हम हो चुके हैं रेडी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए। तो ये मेरी यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं। और गाइस अब हम जाएंगे नीचे और मैं अपनी की कलेक्ट करके ले गया आऊँगा। की कलेक्ट करने के बाद अपनी जो शॉप है उसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं अपना जो उसमें लॉगिन करना होता है अकाउंट वर्डप्रेस में, तो वो करूँगा। काफ़ी चीज़ें मेरे को करनी है, तो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि मेरी जो डेली लाइफ में मैं अभी क्या क्या करता हूँ इस जॉब के अंदर। ना बैठा भाई, फटाफट से इसको थोड़ा सा ना सही कर देते हैं, फिर हम अपनी जाएंगे ड्यूटी पे। तो जरा सा सही कर देते हैं। ठीक है, सब हो चुका है डन। ओके, सो गाइस अब हम ले लेते हैं अपनी एक वाटर बॉटल जो कि हमारे दिन में काम आएगी, और एक ये हमारा ईयरबड्स। तो ये हमारे पूरे दिन में आज काम आने वाला है। ओके गाइस, सो गाइस अब चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो अब जाएंगे नीचे, फिर मैं अपनी की जो है वो कलेक्ट करके लेके आऊँगा। सब कुछ आपको दिखाते हैं।
धीरे धीरे। सो गाइस मेरे घर में यहाँ पे एक सिक्योरिटी लगी हुई है, अगर हम इस डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ना ये अलार्म होना स्टार्ट कर देता है। बाकी फ़िलहाल जो यहाँ पे नीचे एक और रहता है बंदा, तो वो अभी जा चुका अपनी जॉब पे, इसलिए यहाँ पे रेड डॉट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ग्रीन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये ओपन है, अभी हम यहाँ पे इसको जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये अपनी जो शॉप है वो है, यहाँ पे मैंने ये पोस्टर लगाने पड़ते हैं सबसे पहले आगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ। お前はもう死んでいる。तो भाई की जो है हमने वो कलेक्ट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिगर्स, यहाँ PS5 गेम्स, Nintendo गेम्स, काफ़ी बड़े बड़े फिगर्स हैं यहाँ पे, टॉयज, बैग्स, एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे कुछ लिटिल ज्वेलरी, दोबारा से फिगर्स एनीमे, ये सारे एनीमे देख सकते हो। कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स हैं यहाँ पे गेमिंग। ये है अपनी शॉप, तो अपनी जो दुकान है वो कुछ ये है, हिंदी करो उसको ओपन। अब करेंगे सेटअप हेडफोन, ये वाटर बोतल, और गर्मी अभी आते काफ़ी तेज पड़ने लग गई है। अभी इस पर सारे कुछ ऐड करेंगे, आप फैंस हैं, इन फैंस को बताएंगे। पहले बोर्ड इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, एक बार ना यहाँ पे पुलिस आ जाती, इसको मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया था, तो ये मेरे को कॉर्नर में लगाना पड़ता है। अभी ये जो टीवी का प्लग है, ये डिस्प्ले प्लग एलईडी का, ओपन कर रहा हूँ तो शॉप कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई की चेंज है, की चेंज है। और ये आपने अपने बोलते हैं ना वहाँ पे पराठा, ये पराठा, इस पराठे को रखो तो यहाँ पे। चलो आपको यहाँ की थोड़ी चेंज दिखा देते हैं, जो सारी एनर्जी ड्रिंक दो लो। ठीक है ना, और दिखाएं। तो अभी मेरे को ना यहाँ पे लाइट ऑन करनी है, तो ये देखो वो है अपना स्विच, ये जो स्विच थे ये लाइट ऑन कर लो। वो अभी आप देख सकते हैं जो शॉप है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ना कुछ टॉयज लगे हुए हैं, तो यहाँ पे होम अप्लायंसेज और एसेसरीज लगी हुई है। यहाँ पे सारे स्पीकर रखे हुए हैं इस सेल्फ में, इसमें यहाँ पे कुछ माइक्स रखे हुए हैं, ट्रिमर वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे ब्लूरे जो आपको पता ही है कितनी फेमस होती थी पहले के टाइम पे, अभी भी हैं, लेकिन अभी कोई देखता नहीं है क्योंकि इक्विपमेंट है नहीं किसी के पास ब्लूरे का। बहुत से बंदे सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर में देख लेते हैं, लेकिन अभी इनका कोई शौक नहीं रहा नेटफ्लिक्स वगैरह जब से आया। तो यहाँ पे अपने कुछ माउस वगैरह हैं, यहाँ पे और कीबोर्ड्स हैं। सबसे महंगा जो है सेट वो ये है रेजर का, एक यहाँ पे छोटा फ्रिज है हमारे पास, इसमें हम रखते हैं हेल्प, ठीक है। तो ये हेल्प आपको बता देते हैं, थोड़ा ना प्राइस भी बता देते हैं, आपको बड़ा शौक है भाई। वहाँ से मैं भी था तो भी मेरे को शौक होता था हर चीज़ पूछने का, तो बता देते हैं भाई जो हेल है वो यहाँ पे हमें 1 यूरो 10 सेंट की पड़ जाती है, बोले तो टोटल 100 इंडियन रुपीज़ पड़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना लैपटॉप है वो यहाँ अपना रखा हुआ है, स्कैनर
या अपना जो फैन वो रखा हुआ है कैश यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमें एक रिसीट बनानी पड़ती है जेड रिसीट। अभी आप देख सकते हैं जो कल मैंने ना एक स्लिप निकाल के दी थी कि भाई मेरे मैंने कितनी कमाई करी है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे दोबारा। वन है ये हमारा बारकोड प्रिंटर है। पूरे दिन अभी मेरे को ये काम करना है, ये जो कॉमिक्स हैं कॉमिक्स बनानी रहती है मेरे को, यानी कि इनको ना अपनी वेबसाइट हमारी, ये शॉप तो आप वैसे कह सकते हैं पूरा स्टोरी एक तरीके से छोटा सा, इसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं लेकिन वेबसाइट पे आपको हर एक चीज़ दिखेगी, हर एक चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है मेरी ये जैसे कॉमिक है, इस पर ना कोई बार कोड नहीं है जैसे, ठीक है। तो मैं इनको पहले इसके नाम के हिसाब से इसकी फ़ोटो लेता हूँ गूगल से, इसका नाम है वो चढ़ाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, बार कोड चढ़ाने पड़ते हैं, इसका प्राइस चेक करना पड़ता है ईबे पे या फिर किसी दूसरी साइट पे, क्योंकि हमारे पास कम से कम नहीं तो कुछ एक्सपेंसिव भी हैं जिनका प्राइस है 800 यूरो 600 यूरो। तो अभी ये वाली है ना जो इनका ऑलमोस्ट 1599 रखा मैंने प्राइस, 15 यूरो 99 प्राइस, और मेरे पास इतना देखो फुल बॉक्स है भाई, ये जो फुल बॉक्स है ना काफ़ी बड़ा है, इसको मैं पूरे दिन बैठने करूँगा और मेरा अभी यहाँ पे कोई काम नहीं, ठीक है। अभी लोग भूल गया था यहीं पे बॉस देख लेता तो भाई सुननी पड़ती मेरे को। अभी जो बोतल है वो यहाँ रख देते हैं। ये जो सोप है ना इसको मैं संभालता हूँ, और जब मैं नहीं था ना यहाँ पे तो इसकी बहुत बेकार हालत थी भाई। अभी बताऊँ हमें क्या क्या किया, ये देखो भाई कुछ मार्टिन है, ये ना नहाने के लिए यूज होता है भाई। जो मेरे बॉस का जो ससुर है ना उसकी गाड़ी है देख लो आप, वो मतलब 1200 यूरो उसकी ना पेंशन है। अभी इसमें क्या हुआ बैटरी ख़त्म हो गई, इसने ना कह रहा कि स्पार्क हो रहा है जब मैं बूस्टर लगा रहा हूँ ना इसमें, बूस्टर बोले तो भाई जब बैटरी लो हो जाती है ना, एक छोटा सा डिवाइस होता है पावर बैंक की जैसे, तो उसमें ना बैटरी के जो वो अपने टर्मिनेट पता क्या कहते हैं तो उन पे जब कनेक्ट करते हैं ना तो कह रहा है कि उसमें ना स्पार्किंग हो रही है। तो अभी अगर मैंने ना देखा कि वो मैं बोला कि दोबारा करके देखो जो टर्मिनल है वो हेड की जगह तो ब्लैक लगा रहा है, ब्लैक की जगह रेड लगा रहा है, फिर कह रहा है स्पार्किंग हो रही, तब सही करवाया इसका। अभी इसकी गाड़ी स्टार्ट हुई, अभी जा रहा है लॉगिन। मैंने ना अभी इसमें अभी करना पड़ा मेरे को इमरजेंसी में, लॉगिन नहीं शूट कर पाया मैं उसमें लॉगिन करते हुए का। तो ये हमारी कुछ वर्डप्रेस की जो साइट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और ये जो हमारा POS है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई सुबह सुबह बैठते के साथ, अभी देखो टाइम देखो कितना हुआ है मेरे, 9 बजे दुकान में यहाँ पे ओपन करता हूँ तो अभी 9:20 हुआ भाई, ठीक है। 9:20 के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे 99 यूरो की सेल कर दी, अभी एक कैमरा बेच डाला भाई, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे ना कैसे मैं सेल करता हूँ यहाँ पे कुछ लेके। अभी जब मेरा टाइम लगेगा या फिर कोई बंदा आएगा कोई जानकार सामान लेने तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे सूट करके कि भाई कैसे यहाँ पे मैं अपना जो सामान है वो यहाँ पे करता हूँ सेल। और अभी मैं इन कॉमिक्स का भी दिखाऊंगा, तो चलो कॉमिक्स का दिखा देते हैं अभी ना। जैसे इस कॉमिक का नाम है स्ट्रेंजर, तो यहाँ हम गूगल पे स्ट्रेंजर डालेंगे स्ट्रेंजर्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आप Part 3, तो यहाँ #3 लेकिन आगे पीछे में कहीं ना कहीं यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा कॉमिक, क्योंकि यहाँ पे जो मूवी है ना फिर वो आ जाती है। अब यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, अभी देख लो भाई ये जो लड़की है कुछ इस तरीके से खड़ी है, तो ये वाली है और मेरे को पता है ये वाली है 100%, क्योंकि इस पे देखो डन हो रखा ना इमेज, तो ये देख सकते कहा था मैंने। तो भाई यहाँ पे जो फिल्टर थोड़ा वो लग जाता है, तो अभी यहाँ पे हमने इसको सेव किया अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे अभी जाएंगे कि न्यू के ऑप्शन पे, न्यू पेज पे, तो ये जो वर्डप्रेस में ना यहाँ पे एक न्यू आइटम मतलब बनाने के लिए वो काफ़ी ऑप्शन होते हैं वर्डप्रेस में भाई, हर एक बंदे की समझ की बाहर है, बहुत थोड़ा क्रिटिकल काम पड़ जाता है। एक अगर वर्ड की मिस्टेक हो गई ना तो गड़बड़, जैसे कि भाई मान लो कि कोई सामान है 999 यूरो का और आपने कर दिया 99, बस गया सब कुछ बाड़। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो भाई यहाँ ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके अपना जो प्रोडक्ट का नेम है पहले यहाँ से कॉपी करूँगा गूगल से ही जो मैंने खुद डाला था, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, जैसे सी बड़ा कर देंगे, एस बड़ा कर देंगे, बॉक्स डाल देंगे
अभी जो मैं ये जो है ना, इस बुक्स का नाम है 89, ताकि हमें अब पता रहे कि हाँ भाई कौन सी कॉमिक कहाँ है। तो अब इसमें रेगुलर प्राइस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका 1599, यहाँ पे कुछ स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह करनी होती है ये कर देता हूँ, और करनी है मेरे को यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स, या मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँगा अभी, ये जो पिक्चर थे ठीक है भाई, अभी मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, अभी ना ये अपलोड हो रही है। अब यहाँ मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक किया, कर दिया यहाँ पे पब्लिश। अब देखना मैं जाता हूँ अभी बीरबल को, मैं अभी इसको करते हैं जीरो, ठीक है। अभी ये थी बस यहाँ पे फिजिकली थी, अभी यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था इसका, अभी ये आ चुकी है। अभी मेरे को इसमें बार कोड डालना है, तो बार कोड को इस तरीके से मैंने यहाँ डाल दिया है। अभी मेरे को बार कोड प्रिंट करना होता है यहाँ पे, X123। ओके अभी ओके कर गए, आप प्रिंट करके यहाँ बाद इतना काम था। अब यहाँ पे जो प्रिंटर का बटन है वो देख, अभी देख सकते हैं ऑन हो चुका है, ये आ गया अपना बार कोड निकल गया। अभी इस बार कोड को यहाँ पे चिपका देंगे, और अभी आपको ये दिखाते हैं ये कॉमिक कैसे दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने किया क्लिक, अब ये कॉमिक कुछ इस तरीके से दिख रही है ठीक है। यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, स्टॉक दिखा रहा है इसका कितनी हमारे पास ठीक है। यहाँ पे बार कोड शो कर रहा है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका बॉक्स नंबर वो शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपने जो काम है ना वो वैसे होते हैं उस पर वर्डप्रेस। अभी ना मेरे को ये सारे कैंस देखे गए, उनको मैं इस फ्रिज में फुल करूँगा ठीक है, इस फ्रिज को फुल कर देंगे ठीक है। तो भाई कैंस भरने के बाद दिखाते हैं अभी नेक्स्ट काम क्या होगा। सो गाइस अभी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैसे मैं यहाँ करता हूँ स्कैन। तो जैसे ना यहाँ पे एक बार कोड लगा हुआ है, और ऐसा ही हर एक चीज़ पे एक बार कोड लगा हुआ, जैसे इस चीज़ पे लगा हुआ ठीक है। तो और जैसे ये लाइटर है, इस लाइटर पे भी लगा हुआ है ये देखो ठीक है। ऐसे हर सामान के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये हो, ये देख सकते हैं आप इसके पीछे एक बार कोड लगा हुआ है मोबाइल स्टैंड के पीछे। और इसको ये स्कैनर है, इसका जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, बीप की साउंड आएगी, लाइट जल जाएगी। इसके बाद हमें इस बटन को दबा के रखना है, लाइट जलेगी, ये हो गया स्कैन। तो अभी यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, कुछ इसको डिलीट करता हूँ, क्लीन है ना, इसको करता है जी, यहाँ पे क्लिक करना होता है बस एक बार। अभी यहाँ पे इसको स्कैन करते हैं, अभी देखना स्कैन करता हूँ, अब आप देख सकते हैं ये आ चुका है ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना होता है यहाँ पे भाई नोट्स में अगर कुछ लिखना हो कि भाई ये किसी पड़ोसी का है या फिर कुछ भी है, डिस्काउंट यहाँ से हो जाता है परसेंटेज में और या डॉलर में, यानी कि यूरो में ठीक है। फिर इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है, प्राइस है जो प्राइस था, इस प्राइस के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर अब हमें यहाँ पे किस चीज़ में आए, जैसे कैसा आया, तो यहाँ पे हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, जैसे कि भाई 37 कहते हैं यहाँ 37 ठीक है। फिर यहाँ पे शो करेगा 0, इस तरीके से हमारा काम होता है ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई बंदा 10 रुपये तो ट्रस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कैश दे रहा, और तो यहाँ पे रिमेनिंग दिखाएगा 27, तो हमें यहाँ पे कैश में 27 डाल देगा ठीक है। अब यहाँ 0 दिखाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा काम होता है। यहाँ पे फिर पे के ऊपर क्लिक करना होता है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ ठीक है। कुछ इस तरीके से नाम से भी यहाँ पे आ जाता है, अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही बार कोड से तो नाम से आ सकती है, यहाँ पे नाम यहाँ पे सर्च करेंगे आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे पेमेंट होती है बुक्स का, मैंने आपको बता दिया है। और जो मेरे अदर काम है वो यही है कि बस इस दुकान को मेंटेन रखना होता है मेरे को ठीक है। भाई कौन सा सामान कहाँ है, कोई नया सामान आया है तो उसको मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है। कलर मेरे पास यहाँ पे देखो कितने सारे कैमरे आए हैं, ये इंस्टेंट कैमरे हैं जो आपको पता है कि जो तुरंत फोटो खींच के जो प्रिंट करते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सी मूवियों में, और शायद विलन है कौन सी मूवी है उसमें भी आपने देखा होगा। तो कुछ इस तरीके से सारे काम भाई इसमें होते हैं स्टोर में, तो हर एक जगह पे सेम काम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा भाई जो स्टोर का काम है वो होता है, और मैं कुछ भाई इस तरीके से अपना जो काम करता हूँ यहाँ पे अपने चेयर पे बैठता हूँ और काम करता हूँ।
यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, ये जो मशीन है ना इसमें हमें जैसे यहाँ पे किया ना 37 तो उसके तुरंत बाद हमें इसमें भी करना होता, अगर नहीं किया तो कभी जब इसका जब इनकम टैक्स का कह सकते हैं अपने इंडिया के हिसाब से, तो अगर इसका कोई आ गया भाई कोई इंस्पेक्टर वगैरह तो हमें दिक्कत हो सकती है। सो अभी यहाँ पे जो मेरे पास हैं कुछ बंदे आए हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए दूसरी जगह से, यहाँ पे आते हैं भाषा सीखने आते हैं भैया अपनी, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको बता देता हूँ अपनी भाषा का कोर्स सीखने आते हैं यहाँ पे दूसरे देश से, फ्री में काम करते हैं। ठीक है आगे दिखाते हैं आज के दिन में हम और क्या करते हैं। तो गाइस हो गया अब अपना ब्रेक टाइम, यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं, अब अपना ब्रेक टाइम हो चुका है, अब ये हाफ आवर का मेरा जो ब्रेक टाइम है वो रहेगा, तो भाई अभी चलते हैं अपने ब्रेक के लिए, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो और आपको दिखाता हूँ कि मैं भाई क्या क्या खाता हूँ क्या क्या खाता ब्रेक के टाइम। सो गाइस अभी जो है अपना ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं अभी क्या खाता हूँ। तो भाई ये देख सकते हो आप, ये जो होता है ना ये खबूस कहते हैं इसको, ये रोटी की तरह आता है ठीक है, और अभी मैगी बनाएंगे तो फिर खाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास ना एक अपने देखा जाए तो एक अचार की तरह है कुछ, ये है अपने वहाँ इंडिया में कहते हैं ना टेंट का अचार, तो टेंट का अचार जैसा ही दिख रहा है, और इसमें पानी डला हुआ है ठीक है, और ये काफ़ी सोल्टी वाटर होता है यहाँ पे भाई अपने वाटर बॉटल्स वगैरह। सो गाइज अब हम ना अभी अपनी जो मैगी है वो बनाएंगे आज, क्योंकि कल की मेरी छुट्टी, इसलिए मैंने कल रात को अपना खाना रेडी नहीं करके रखा हुआ था। सो अभी अपनी मैगी बनाएंगे, मैगी के साथ ये जो कबूस है ये खाएंगे अपना ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं दोबारा से अपनी मेन शॉप के अंदर। सो गाइज यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयर के पास में ही रहता हूँ, तो मैं तुरंत आ जाता हूँ अपना खाना खाने के लिए अपने रूम के अंदर। सो गाइस अभी करते हैं अपना लंच एंड देन हम मिलते हैं दोबारा से अपनी शॉप के अंदर। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपना खाना खा के, तो अभी दोबारा से अपनी भाई वही जो चेयर है वो पकड़ेंगे और चेयर के ऊपर अपना सारा काम दोबारा से करेंगे, तो बस ऐसा ही रहता है भाई पूरा दिन। सो गाइस क्लोज कर दिया अपना जो सेशन था वो क्लोज कर दिया, और अपनी मनी है यहाँ पे, अभी इसको बॉस को देख के आएंगे, अभी वही क्लोजिंग का टाइम हो गया है, अभी क्लोजिंग करते हैं। ये अपना भाई फैन क्लोज लाइट ऑफ भाई, ये मनी है, ये अपनी मनी अभी बॉस को देंगे। एंड दिस ऑर्डर्स आर फॉर मी okay for you and this bro I think you left one okay aur bhai ye ek jo comic hai na ye apna order hai on boss I tell him that so ye comic thi complete ho chuki abhi light yahan se ek band karni hai just subah kare ke on ye abhi jao yahan bulldog bur gaya bhai main box ठीक है, दोबारा जब सामान को पड़ा अंदर रखो, टेबल थी फैन पे वो अंदर ठीक है भाई, टीवी के थे जो प्लग्स उनको हटा ले, वो भी जो सुबह किया था मॉर्निंग में वो सब कुछ है उधर भी करो, ये करने के बाद अब हमें जो बटन है अपने रिमोट के अंदर ये प्रेस करना है भाई ठीक है। अभी जो शटर है वो यहाँ पे डाउन आने लग गया ठीक है, शॉप बहुत शुक्रिया अभी क्लोज, पैडलॉक है और पैडलॉक लगाओ लो
को नहीं लगा दिया फिर बैठ लो ठीक है। अभी आप एक अलार्म ऑन करना है तो अलार्म लगा से बीच सुन को तो गाइस एक बार ना आप देख लीजिए कैसा मौसम है ना यहाँ पे 6 बजे हुए ये मौसम है यहाँ पे अभी। सो भाई अभी ना चलते हैं अपना कुछ सामान ले लिया है वो अभी तो खाना बनाने की तो तैयारी हो सकती है मेरा सामने जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है अपने ग्रोसरी शॉप पर तो ग्रोसरी शॉप पर भी हमें सामान लेके आ रहे हैं तो फ्राइड राइस से भी हो चुकी है यहाँ पे रात और मैं ग्रोसरी शॉप से लेके आया था फ्राइड राइस बनाने का सारा सामान यानी कि आपको पता ही है कि भाई कैरेट ओनियन और जितने भी सामान होते हैं भाई स्प्रिंग ओनियन फ्रेंच बीन्स हाँ और मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस और विनेगर भी नहीं था तो वो भी मैं लेके आया और फिर मैंने बनाया अपना फ्राइड राइस। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई मैंने कैसे जब सब कुछ दिखा दिया आज के दिन में तो आज ये भी दिखा दे तो भाई मैंने ऐसे कुछ करके बनाए हैं तो आज मेरे को ना वो नहीं मिला क्या कहते हैं भाई पत्ता गोभी को तो वो नहीं मिली और तो थोड़ा सा टेस्ट मिसिंग है ठीक है। तो अभी भाई मैंने खा के बिल्कुल मैं फिनिश हो चुका हूँ रेडी हूँ और अभी भाई फुल हूँ ठीक है। अब नेक्स्ट काम रह गया भाई हाफ आवर लेटर मैं बनाऊँगा अपना मिल्क बनाना शेक और बनाना शेक पी के बस सोएंगे ठीक है। मेरे हिसाब से सभी भाइयों को पता होना चाहिए भाई जब कोई बंदा बाहर आता है ख़ासतौर पर जब यूरोप में आता है तो भाई क्या क्या उनकी रूटीन रहती है तो रूटीन मैंने आपको आज अपना बता दिया है। तो भाई मेरा जो फेस था कि भाई मैं एज ए सेल्समैन काम करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या क्या अपने काम करने को मिले और किस तरीके से मैं काम करता हूँ और काफ़ी और भी काम है जो कि मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट वगैरह पे यहाँ पे जो मैं सेल्समैन की चेयर के ऊपर बैठ के जो करता हूँ बहुत काम है यहाँ पे। तो भाई जो एक छोटा सा फेस था इस साइड का भाई वो मैंने दिखा दिया। सो गाइज ये ब्लॉग बनाना ज़रूरी भी था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। सो गाइज अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा जो भी आपको पूछना है माल्टा के बारे में इंडिया के बारे में कैसे फाइल वगैरह जो भी टॉपिक आपको याद आए सो गाइज उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आप देख भी सकते हैं मैंने अपनी हर वीडियो में सभी के रिप्लाई किए हुए हैं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल का आइकन प्रेस कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय जय हिंद।